यंत्र मंत्र तंत्र के द्वारा आप पर लगी हर बुरी शक्ति के बंधन की काट करेगा। बाबा काल भैरवनाथ जी का यह शक्तिशाली उपाय। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको बाबा काल भैरवनाथ जी का एक ऐसा शक्तिशाली चमत्कारी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर में जो भी कोई बुरी बाधा है, जो भी कोई नेगेटिविटी है, जो भी कोई बुरी शक्ति का अगर प्रभाव है आपके घर के ऊपर, या फिर किसी ने बंधन कर रखा है आपके घर परिवार का, आपके शरीर का, किसी दुश्मन ने, किसी शत्रु ने, किसी साधक ने आपके घर परिवार शरीर का अगर बंधन कर रखा है, तो उसकी काट करेगा बाबा काल भैरवनाथ जी का ये जो चमत्कारी उपाय है। तो देखो, जंतर मंत्र तंत्र के द्वारा जो भी कोई बुरी शक्ति आपके घर के ऊपर लगाई होगी, तो देखो उसकी तो काट होगी ही होगी इस उपाय से। लेकिन उसके बाद खुद बाबा काल भैरवनाथ जी की दिव्या शक्तियां आपके घर के ऊपर पहरा देंगी, हर नेगेटिविटी से आपकी रक्षा करेंगी। और जो भी कोई बुरी शक्ति आपके घर परिवार, आपके शरीर के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर जो भी किसी ने लगाई होगी, तो उसकी काट करने के बाद वही शक्ति वापस जाएगी। जो भी कोई नेगेटिविटी होगी उसी व्यक्ति के पास वापस जाएगी। केवल एक ही बार आपने इस उपाय को करना है, जो यह विधि बाबा काल भैरवनाथ जी की मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए आपने किसी मंत्र का भी जाप नहीं करना, कोई बड़ा अनुष्ठान भी नहीं करना, केवल आपने ये छोटा सा उपाय ही करना है। लेकिन इसके लिए जिस सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी, एक चौमुखा चिराग, चार बत्तियों वाला दिया आप अपने घर में ही आटे को गूंदने के बाद, गेहूं के आटे को गूंदने के बाद एक चार बत्तियों वाला चौमुखा चिराग बना लें, उसमें सरसों का तेल डाल लें और चार बाती आपने डाल लेनी है। और यह जो चिराग है, आपने जो आपके घर का मेन गेट है बाहर वाला, जहां से आप एंट्री करते हैं, तो उसके दाएं जब बाएं तरफ के ऊपर आपने इसको रखना है। रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, रविवार वाले दिन, तो उसके बाद आपने गोबर के कंडे, गोबर के उपले की थोड़ी सी अंगियारी बनानी है इस विधि को संपूर्ण करने के लिए। तो उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी 11 नींबू की, तो एक माला चाहिए आपको। एक सुई धागे में आपने काला धागा परो लेना है किसी सुई में, तो उसमें 11 नींबू की एक माला आपने तैयार कर लेनी है। पूरे 11 नींबू होने चाहिए साबुत, और उसके बाद एक नींबू अलग से आपने लेकर आना है। 12 नींबू आपने टोटल लेकर आने हैं इस उपाय को करने के लिए। तो उसके बाद यह जो 11 नींबू की माला है और जो वह साबुत नींबू है एक अलग से, तो उसका आपने क्या करना है, पहले आपने चार बत्तियों वाला दिया आपने रोशन कर देना है आपके मेन गेट के, जैसे मैंने आपको बताया है, दाएं या बाएं तरफ रखकर। उसके बाद वहीं पर आपने गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी रख देनी है उस चिराग के पास, और अंगियारी के ऊपर सरसों का तेल डाल देना है, अग्नि चेतन कर देनी है। घर का कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर सरसों का तेल डालता रहे, अग्नि चेतन रहे। उसके बाद जो ये नींबू की माला है और जो एक अलग से नींबू है, इसको पूरे घर से लेकर घूम जाएं। पहले जो आपने वह अंगियारी तैयार की है
उसके ऊपर से 7 बार बारले उल्टा एंटी क्लॉक वाइज इसको घुमा लें, एक नींबू को भी और जो 11 नींबू की माला है उसको भी। उसके बाद पूरे घर में लेकर घूम जाए, जहां पर भी आपको लगता है कि कोई बुरी शक्ति का बंधन है, कारोबार से घुमा सकते हैं, गाड़ी वाहन के ऊपर से घुमा सकते हैं। उसके बाद वह जो नींबू है एक, तो एक नींबू को 4 भागों में आपने काट लेना है, जिसको माला में नहीं परोया आपने। तो पूरे घर में घुमाने के बाद, सभी व्यक्तियों के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाने के बाद, उस नींबू को उस अग्नि की भेंटा दे देनी है, उस अग्नि में आपने उस नींबू को जला देना है आपने, बाबा काल भैरवनाथ जी का ध्यान धरते हुए। इससे जो भी कोई जंतर मंत्र तंत्र के द्वारा कोई बुरी शक्ति लगाई होगी तो जलकर राख हो जाएगी, वो है बाबा भैरव जी की शक्ति के द्वारा, बाबा भैरव के बंधन में आ जाएगी वह शक्ति। उसके बाद तुरंत वह जो माला है आपने उसको घर से बाहर लेकर जाना है, इसको आप बाबा काल भैरवनाथ जी के गले में जाकर अर्पण कर सकते हैं, अगर कहीं पर कोई मंदिर है या शमशान भूमि में आप इसको रख कर आप इसको आ सकते हैं, जो जो माला है, या कोई बहती नदी हो उसके किनारे भी जाकर रख कर आप इस माला को आ सकते हैं। लेकिन अगर बाबा काल भैरवनाथ जी का कोई मंदिर हो तो वहां पर भी आप इसको अर्पण कर सकते हैं, शनि के मंदिर में जाकर अर्पण कर सकते हैं, माता काली के मंदिर में जाकर आप इसको अर्पण कर सकते हैं, इस माला को आप वहां पर जाकर चढ़ा आए। तो इससे बाबा काल भैरवनाथ जी की जो शक्ति है आपके घर के ऊपर पहरा देगी, हर बुरी शक्ति की काट करेगी, ये जो शक्ति है जंतर मंतर तंत्र की पूर्ण रूप से काट हो जाएगी, जो भी आपके घर पर बार या फिर आपके शरीर के ऊपर लगा हुआ है। एक ही बार रविवार वाले दिन आप इस रोटके को पर कर देखें तो ये तुरंत रिजल्ट देने वाला उपाय है बाबा काल भैरवनाथ जी का। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ, अब तक जय माँ काली जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, गुरु जी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन मन चाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु जी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।